तो दोस्तों, अगर आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने घर में रहते हुए अपने DSLR कैमरे से मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक मैक्रो लेंस का जरूरत होगा जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा आता है। फिर चाहे आप कैनन, निकॉन, सोनी किसी भी ब्रांड का लो, जो मैक्रो लेंसेज है वो बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे तरीके भी है जहां पर आप बहुत ही कम खर्चा करके अपने कैमरे के अंदर हाई क्वालिटी में मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। और वैसा ही एक तरीका है रिवर्स लेंस मैक्रो फोटोग्राफी, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने ऐसे जो किट लेंसेज है, यानी कि ये जो 18-55 mm का किट लेंसेज है, या फिर आपका जो शॉर्ट फोकल लेंथ का प्राइम लेंसेज है, जैसे कि 35 mm, 50 mm या फिर 85 mm, ऐसे शॉर्ट फोकल लेंथ के जो लेंसेज है उसके अंदर हाई क्वालिटी में मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। फिर चाहे आप कैनन, निकॉन, सोनी किसी भी ब्रांड का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो। और इस वीडियो में हम इस रिवर्स लेंस मैक्रो फोटोग्राफी टेक्निक के बारे में ही बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने कैमरे से लगभग 300 से 400 रुपया खर्चा करके अपने किट लेंसेज के साथ हाई क्वालिटी में मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। अब दोस्तों, ये जो रिवर्स लेंस मैक्रो फोटोग्राफी टेक्निक है, ये आज नहीं काफी दिनों से चला आ रहा है और काफी सारे लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं। रिवर्स लेंस मैक्रो फोटोग्राफी में हम करते क्या है कि हमारा जो लेंस है उसको रिवर्स यानी कि उल्टा करके अपने कैमरे के ऊपर माउंट करते हैं, यानी कि अपने लेंस का जो ओपनिंग साइड है उसको हम अपने सेंसर की तरफ ले जाकर अपने कैमरे के ऊपर अटैच करते हैं, और जिसके लिए हमें कुछ इस तरीके का एक अडेप्टर की जरूरत होता है जिसे कि रिवर्स रिंग कहा जाता है। अब ये जो रिवर्स रिंग है, ये हर एक कैमरा या फिर हर एक लेंस के लिए एक ही रिवर्स रिंग से आपका काम नहीं चलेगा। आपका जो कैमरा या फिर आपका जो लेंस है उन दोनों को देखते हुए आपको एक सही रिवर्स रिंग चूज करना है। अब एक रिवर्स रिंग खरीदने के लिए आपको दो चीजें देखने होंगे। नंबर वन, आपका जो कैमरा बॉडी है उसमें कैसा लेंस माउंट आता है उसको आप देख लीजिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो निकॉन D7500 कैमरा है उसमें निकॉन का F माउंट आता है और यहाँ पर मेरा जो बॉडी कैप है उसके ऊपर ये लिखा है। तो आप देख लीजिए आपका जो कैमरा बॉडी है उसमें कैसा लेंस माउंट आता है। उसके बाद दूसरा जो चीज आपको देखना है कि आप जिस लेंस को रिवर्स करेंगे उस लेंस का जो फिल्टर डायमीटर है वो कितना है। जैसे कि मैं यहाँ पर निकॉन 50mm f1.8D लेंस को रिवर्स करने वाला हूँ और इस लेंस का जो फिल्टर डायमीटर है वो है 52mm का। यहाँ पर मेरे लेंस में जो UV फिल्टर मैंने लगाए हैं उसके ऊपर ये लिखा है। तो आप देख लीजिए आपका जो लेंस है उसका जो फिल्टर डायमीटर है वो कितना है। आपके लेंस के UV फिल्टर के ऊपर ये लिखा हो सकता है या फिर आपका लेंस का जो बॉक्स है उसके ऊपर ये लिखा हो सकता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन सर्च करके देख लीजिए कि आपका जो लेंस है उसका फिल्टर डायमीटर साइज कितना है। उसके बाद आपका जो कैमरा माउंट और जो लेंस फिल्टर डायमीटर है उसके हिसाब से आपको एक रिवर्स रिंग परचेज करना है। जैसे कि मेरे पास ये जो कैमरा है उसमें निकॉन का F माउंट है और मेरा जो लेंस है उसका जो फिल्टर डायमीटर है वो 52mm का है। तो मैं यहाँ पर निकॉन F माउंट का 52mm का एक रिवर्स रिंग परचेज करूंगा जो कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकता हूँ। अब एक रिवर्स रिंग परचेज कर लेने के बाद आप उस रिंग को अपना जो लेंस है उसके सामने की तरफ, जैसे आप एक यूवी फिल्टर को अटैच करते हो कुछ उस तरीके से घुमाते हुए उसको आप अटैच कर दीजिए और फिर आप अपना जो लेंस है उसको रिवर्स करके यानी कि उल्टा करके अपना जो कैमरा बॉडी है उसके ऊपर माउंट कर दीजिए और बस आपने अपने लेंस को सक्सेसफुली अपने कैमरा बॉडी के ऊपर रिवर्स कर लिया है। अब लेंस को रिवर्स करने से पहले कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए। ये जो रिवर्स लेंस टेक्निक है ये आप उन्हीं लेंसेज के साथ ट्राई करिए जिसका जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट है या फिर जो लेंस है उसका जो वेट है वो कम है। जैसे कि 18-55mm का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कम है, साथ ही साथ जो लेंस है वो बहुत ज्यादा हल्का है। उसके बाद जो 50mm का लेंस है या फिर 35mm का लेंस है वो भी बहुत ही छोटे साइज के लेंसेज होते हैं और उसका जो वेट है वो भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा एक माउंट हम इस्तेमाल करेंगे जिसका क्वालिटी उतना खास नहीं होता है। उसके वजह से क्या हो सकता है कि आपके कैमरे बॉडी में जो माउंट है वो टूट सकता है, आपका लेंस का जो फिल्टर डायमीटर है वो टूट सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है। तो शॉर्ट फोकल लेंथ के जो लेंसेस है उसके साथ आप ये ट्राई करिए या फिर जो हल्के लेंसेस है उसके साथ आप ये ट्राई करिए। बेहतर होगा कि आपका जो किट लेंस यानी कि जो 18-55mm का लेंस है उसके साथ आप इसको ट्राई करिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब अपने लेंस को रिवर्स कर लेने के बाद आपका जो कैमरा बॉडी और लेंस है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन था वो कट हो जाता है, यानी कि जो ऑटोमेटिक चीज़ें था वो कुछ भी अभी काम नहीं करने वाला है। सारे कुछ चीज़ों को आपको मैन्युअली कंट्रोल करना होगा। आपके कैमरे में जो ऑटो मोड था वो काम नहीं करेगा, तो आपको मैनुअल मोड के अंदर जाकर फोटो क्लिक करना होगा। ISO, शटर स्पीड, सारे कुछ चीज़ों आपको मैनुअली सेट करना होगा। फोकस भी काम नहीं करेगा, तो ऐसे में आपको करना क्या होगा
कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके आपको क्लोज या फिर दूर जाते हुए आपके सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपका जो फोकस है वो फिक्स हो जाएगा और आपको आगे या फिर पीछे की तरफ जाते हुए अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना होगा। आपके लेंस का जो एपर्चर है उसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो जब भी आप अपने लेंस को रिवर्स करेंगे उससे पहले आप अपने लेंस को अपने कैमरे के ऊपर माउंट करके उसका जो एपर्चर है उसको आप अपने डिजायर्ड पॉइंट पर सेट कर लीजिए। हाँ, अगर आपके जो लेंस है उसमें जो मैनुअल एपर्चर रिंग है वो आता है तो आप अपने लेंस से जो एपर्चर है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास या जो यहाँ पर जो निक्कर 50mm f1.8D लेंस है, इस डी लेंस में मैनुअल एपर्चर रिंग आता है जिसके वजह से लेंस को रिवर्स करने के बाद भी इसका जो एपर्चर है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लेंस में ये एपर्चर रिंग नहीं आता है। तो पहले ही आप अपने एपर्चर को फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आप अपने लेंस को रिवर्स करिए। अब लेंस को रिवर्स करने के बाद एक प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है कि आपका जो स्क्रीन है वो आपको कम्प्लीटली ब्लैक देखने को मिल सकता है। इसका रीज़न एक ही है कि जब आप अपने लेंस को रिवर्स करते हो तो वहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा लाइट लॉस होता है जिसके वजह से आपका जो स्क्रीन है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है। उसके लिए आप ISO को आप बूस्ट अप करिए, उसको आप बढ़ाइए, उसके साथ ही जो आपका शटर स्पीड है उसको आप कम करिए या फिर आपका जो एपर्चर है उसको आप कम करिए, तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने जो भी सारी चीज़ें हैं उसका प्रीव्यू आपको अपने डिस्प्ले के ऊपर दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने निकॉन D7500 कैमरे के ऊपर निक्कर 50mm f1.8D को रिवर्स करके कुछ फोटोज़ क्लिक करे हैं। आप फोटोज़ को देखिए, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए फोटोज़ आपको कैसे लगे। अब दोस्तों, जब भी आप रिवर्स लेंस मैक्रो फोटोग्राफी करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, रिवर्स लेंस जब आप करते हो तो आपका जो लेंस का जो माउंट है वो आपके सामने की तरफ होता है, यानी कि वो कम्प्लीटली एक्सपोज रहता है, तो उसको आप केयर करिए, उसको आप संभाल के रखिए, अदरवाइज वहाँ पर कुछ डस्ट चला जाएगा तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या फिर कोई स्क्रैचेस आ जाएंगे तो आपका जो लेंस है वो बर्बाद हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रखिए। उसके साथ ही और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप जितना वाइड लेंस इस्तेमाल करेंगे उतना क्लोजअप शॉट आपको मिलेगा। अगर आप 18mm यानी कि 18-55mm का जो लेंस है उसमें 18mm फोटोज़ क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लोजअप मिलेगा, अगर आप 55mm पर क्लिक करेंगे तो आपको कम क्लोजअप मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने किट लेंस यानी कि 18-55mm लेंस को रिवर्स करके बहुत ही कम खर्चा करके हाई क्वालिटी में मैक्रो फोटोग्राफी कर पाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर।